Hi everyone, welcome to Learn with me. This is Shinam Kataria. Science and Technology Current Affairs, PPSC NAP Tahsildar, PPSC Cooperative Inspector. जो आज आप डिस्कस करांगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपीएससी के अंदर तुसी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों च की डिफरेंस होंगे. देखो अपना यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है. यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होने का मतलब है उनका आकार बढ़ता जा रहा है. जिन्हिया भी चीज़ा ने गलैक्सी ने सब एक्सपैंड हो रही ने, किस वजह करके हो रही ने? डार्क एनर्जी करके. यदा मतलब मैं उन्हें दसागी कि डार्क एनर्जी की होंगी है और डार्क मैटर की होंगे. बट जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा ना वो डार्क एनर्जी करके हो रहा है, डार्क मैटर करके नहीं हो रहा. अपने ब्रह्मांड के अंदर हाले भी कुछ चीज़ा यहोजियां ने जो कि इनविजिबल ने. बड़ी शोकिंग गल है ना कि कुछ चीज़ा हाले भी ऐसा ने जो इनविजिबल ने. 95% इन्ना ज़्यादा नंबर है, 95% चीज़ा आप ब्रह्मांड के अंदर हाले नहीं देखियां, 5% ही देखिया ने. सिर्फ 5% जो आज आप देख पा रहे हैं ना उत्ते तारे गलैक्सी अपने आसपास जो भी देख पा रहे हैं, आज रूम में बैठे हाँ आसपास जो भी चीज़ा देख पा रहे हैं ना वो सिर्फ 5% ने. 95% चीज़ा आप नहीं देख पा रहे. उस 95% इस पता की आंदा है इनविजिबिलिटी च. 95% 95% की आंदा है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी. डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स का 27% है और डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स का 68% है. अगर तुसी 68 और 27 नू मिला दोगे तो 95 बचेगा. 5% चीज़ा ही आप अपने आसपास देख पा रही हाँ, 95% आप नहीं देख पा रहे. साइंटिस्ट कई साल तो खोज कर रहे ने कि इन्हों बारे पता लगाया जाए डार्क एनर्जी और डार्क मैटर. देखो साइंटिस्ट नू ये पता है, ता ही आपां नूं ये गल पता चली है ना कि यूनीवर्स जिहड़ा एक्सपैंड हो रहा है. यूनीवर्स क्यों एक्सपैंड हो रहा है? डार्क एनर्जी करके यूनीवर्स जो है एक्सपैंड हो रहा है, ये तो पता लग गया. बट एग्जैक्टली दे अंदर डार्क एनर्जी नूं आपां डिफाइन नहीं कर पाए हैं, उन्हूं खोज नहीं पाए हैं. सिर्फ एक गल पता है सिंपल जी कि यूनीवर्स हाँ जी एक्सपैंड हो रहा है डार्क एनर्जी करके एक्सपैंड हो रहा है. और डार्क एनर्जी 68% है पूरे यूनीवर्स की और डार्क मैटर 27% है. अगर आपां एक बेसिक जी गल करिए डार्क मैटर बारे तो साइंटिस्ट ने फिर भी थोड़ा मोटा पता करने की कोशिश की है, बट डार्क एनर्जी बारे आज तक भी पता नहीं लग पाया है. हुन ये करंट जो आप डिस्कस कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली बार एक जीनोन नाम का एक्सपैरीमेंट होया. कित्थे होया? जीनोन आप कह दें जीनोन नाम का एक्सपैरीमेंट होया इटली च. उत्थे अंडरग्राउंड एक्सपैरीमेंट होया, उस एक्सपैरीमेंट के जरिए पता लग गया डार्क एनर्जी बारे. तो ये न्यूज़ के अंदर है. ओके हम एक बेसिक द डिफरेंस और दस दी. डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अंदर की डिफरेंस होता है? जो डार्क एनर्जी है जो कि 68% है पूरे यूनिवर्स की और जो डार्क मैटर है 27% है. डार्क मैटर की करता है? चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, एक दूजे की तरफ खिंचाव लियाने की कोशिश करता है. पर डार्क एनर्जी की करती है? चीज़ों को दूर करती है. अगर आज अपना यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो डार्क एनर्जी करके हो रहा है. 68% ता ही ज़्यादा है क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है. डार्क मैटर कम है क्योंकि डार्क मैटर तो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है. अगर आज के टाइम पर डार्क मैटर ज़्यादा होता तो चीज़ा तो एक दूजे जुड़दिया, स्टार एक दूजे के कोल आते, एक दूजे के कोल आते तो तोड़फोड़ होंगी. बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, डार्क एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि वो 68% है यूनिवर्स की. एंड करके चीज़ा जो ने एक्सपैंड हो रही ने. इस जीनोन जो इटली के अंदर एक एक्सपैरीमेंट किया गया उतो डार्क एनर्जी बारे पता चलिया है. ठीक है जी, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सी जो मैं थानू दस दी बिल्कुल आसान भाषा के अंदर. हुण आपां एक एक करके सारी लाइनस नूं पढ़दे हाँ. देखो डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी द मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अप अबाउट 68% ऑफ द यूनिवर्स हैज इंट्रीग्यूड फिजिक्स एंड एस्ट्रोनोमर फॉर डिकेड. डार्क एनर्जी हैज बीन नोटेड एज द मोस्ट प्रोफाउंड मिस्ट्री ऑफ ऑल ऑफ साइंस. 68% है पूरे यूनिवर्स की, एक मिस्ट्री बन के रह गई. डार्क एनर्जी बारे साइंटिस्ट किन्नी देर तो लगे हुए हैं कि कुछ पता चले. फाइनली जो इटली के अंदर एक्सपैरीमेंट होया अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का मतलब जाके पूरा अंदर जाके उन्हां दी एक लैब है उत्थे एक एक्सपैरीमेंट किया गया. जो उन्हां दे एक्सपैरीमेंट दे वो एक्सपैरीमेंट जो कर रहे सी ना, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट दा यूज कर रहे सी उन्दे च क्यों है ना इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई. जो भी कोई अंडरग्राउंड कोई एक्सपैरीमेंट अंडरग्राउंड होंदा ना, तुसीं इटली च वो वाली जगह नू मैप ते भरना तो तुहानू क्लीयरली समझ आ जाएगा कि मैं की बोल रही हाँ. ओके जो भी अंडरग्राउंड जाके आप कोई भी एक्सपैरीमेंट करते हैं तो उत्ते किसी भी तरह की नोइस नहीं होती, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती. बट जदों इटली के अंदर ये एक्सपैरीमेंट हो रहा सी ना उस टाइम पर
जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर इलैक्ट्रॉन से ना उन्हों की मूवमेंट हुई, जो उन्होंने फाइंड किया कि इस इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई क्यों, तो उन्होंने पता लग्या कि डार्क एनर्जी हुई सी ता ही इलैक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट हुई सी। एक होर इंपोर्टेंट पॉइंट दसदी हाँ, जो इटली ने जो एक्सपैरीमेंट किया ना जिंदा नाम जीनोन है, जीनोन 1T है, ओके। ये एक्सपैरीमेंट उन्होंने पता कि किस वास्ते बनाया से, डार्क मैटर वास्ते बनाया से, डार्क मैटर वास्ते, इस वास्ते बनाया से कि चीज़ा किवें एक दूजे को अट्रैक्ट कर दिया ने। बट जो उन्होंने ये अंडरग्राउंड एक्सपैरीमेंट चल रहा है, इलैक्ट्रॉन के अंदर तेजी नाल मूवमेंट हुई, जो उन्होंने उस मूवमेंट को चैक किया तो उन्होंने आइडेंटिफाइड किया इतने तो डार्क एनर्जी हुई है। डार्क मैटर की ने चीज़ा एक तरफ एक दूसरी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बट डार्क एनर्जी चीज़ा एक्सपेंड करती है। नेक्सट आ देखो, रीसेंटली एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर मेड द फर्स्ट डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ डार्क एनर्जी। ये मैं उन्हें दसता, एक इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर सी जो कि इटली के अंदर काम कर रही थी। एक्सपैरीमेंट का नेम की सी जीनोन 1T, इज द वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपैरीमेंट। इन्हों ने जो इटली ने ये एक्सपैरीमेंट बनाया सी ना, डार्क मैटर वास्ते बनाया सी, डार्क मैटर लई एक्सपैरीमेंट बनाया सी, बट उत्थे आइडेंटिफाइड की हो गया, डार्क एनर्जी का भी पता चल गया। एंड वॉज ओपरेटेड डीप अंडरग्राउंड, मतलब अंदर जाके एट द INFN लैबोरेटरी, आ वाली लैबोरेटरी का नाम है, ये इटली के अंदर है, तुसी मैप च जाके वेखना है, इत्थे एक्सपैरीमेंट चल रहा है जिथों आपां डार्क एनर्जी बारे पता चल रहा है। बहुत वड्डी गल है क्योंकि साइंटिस्ट कई सालों तो लग गए सी डार्क एनर्जी बारे फाइंड करन, क्योंकि 68% है यूनिवर्सिटी। नैक्सट देखो, हाउ इज़ डार्क एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम डार्क मैटर। मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, बट आप PPT की एक लाइन तो आप पढ़नी पढ़नी है। एवरीथिंग वी सी द प्लैनेट मून मैसिव गलैक्सीज मेक्स अप लैस दैन 5% ऑफ द यूनीवर्स। अज आप जो भी देख रहे हैं, प्लैनेट मून मैसिव गलैक्सीज जो भी आप आस पास देख रहे हैं, ये सिर्फ 5% आप देख रहे हैं, मतलब 27% तो डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है, ये तो इनविजिबल ने, ओके। वाइल डार्क मैटर अट्रैक्ट एंड होल्ड गलैक्सीज टूगैदर, ये मैं ऑलरेडी हमने दसिया कि डार्क मैटर की करता है, चीज़ों को एक दूजे की तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कि 27% है। डार्क एनर्जी की करती है, चीज़ों को दूर करती है, रिपल्स करती है, कोर्स करती है एक्सपेंशन अपने यूनिवर्स का। आज अपना यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है किन वजह करके हो रहा है, डार्क एनर्जी। द एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर वॉज सजेस्टड एज अर्ली एज द 1920। डार्क मैटर बारे तो कुछ ना कुछ साइंटिस्ट को पता चलता रहता, बट डार्क एनर्जी बारे आज तक पता नहीं चल पाया। वाइल डार्क एनर्जी वॉज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल 1998। ओके जी, देखो वट इज़ डार्क एनर्जी, वो ही चीज़ा ने जो बार बार लिखिया हुई ने, बट मैं बहुत आसान भाषा से तुम्हें समझाने की कोशिश की। PPSC के अंदर तुम्हें एक बेसिक सिंपल डिफरेंस पता होना चाहिए कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, मतलब डार्क एनर्जी की करती है चीज़ों एक्सपेंड करती है, और डार्क मैटर की करता है चीज़ों एक दूजे की तरफ अट्रैक्ट करता है। मोर इज अननोन दैन इज नोन, डार्क एनर्जी बारे पढ़ रहे हैं। वी नो हाउ मच डार्क एनर्जी देयर इज बिकॉज वी नो हाउ इट अफेक्ट द यूनिवर्स एक्सपेंशन, अदर दैन दैट इट इज़ ए कंप्लीटली मिस्ट्री, बट इट इज़ इन एन इम्पोर्टेंट मिस्ट्री। इट मेक्स अप अबाउट 68% ऑफ द यूनिवर्स। डार्क एनर्जी इज ए हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एक्सर्ट ए नेगेटिव रिपल्सिव प्रेशर बिहेविंग लाइक द ऑपोजिट ऑफ ग्रैविटी। एक ग्रैविटी के ऑपोजिट होकर जाके काम करती है, क्योंकि ये कर रही है चीज़ों दूर दूर कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। इट इज़ कॉसिंग द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स टू एसिलोरेट ओवर टाइम रैदर दैन टू स्लो डाउन। और डार्क एनर्जी आज आप भी दस रही है कि अपना यूनिवर्स जरा एक्सपेंड हो रहा, स्लो नहीं हो रहा। दैट्स कॉन्ट्राई टू वट वन माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्स दैट बिगेन इन बिग बैंग। देखो जो बिग बैंग सी, बिग बैंग की थ्यूरी की सी, वो कहती सी कि एक गोला सी, गोले का विस्फोट होया और चीज़ा सारिया बिखर गई, जो तो चीज़ा सारिया बिखर गई वो अज भी एक्सपैंड होंदिया जा रही ने। ओके, जो बिग बैंग तो पहले की सी, जो एक गोला सी तो उत्थे डार्क मैटर ज़्यादा सी। डार्क मैटर क्यों ज़्यादा सी, क्योंकि चीज़ा आस पास सी, एक दूजे के नाल जुड़िया हुई सी। जिवें ही विस्फोट होया, बिग बैंग थ्यूरी के अंदर यह दस्या गया एक गोले का विस्फोट होया, सारिया चीज़ा बिखर गई वो एक्सपैंड हो रही ने, तो आज के टाइम पर की ज़्यादा डार्क एनर्जी ज़्यादा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बहुत वधिया तरीके नाल समझाया डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। नैक्सट ये वो वाला एक्सपैरीमेंट है जिंदे बारे मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, उ चीज़ा ने जो बार बार इतने लिखिया गई ने। जीनोन 1T एक्सपैरीमेंट है जो कि इटली च होया। इन 2021 एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर मेड द फर्स्ट डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ डार्क एनर्जी। इन्होंने एक्सपैरीमेंट बनाया से डार्क मैटर वास्ते, बट उतों आइडेंटिफाई की होया डार्क एनर्जी। They notice certain unexpected result in the Xenon 1T experiment and write that dark energy may be responsible for it.
Xenon 1T experiment is the world's most sensitive dark matter experiment and was operated deep underground at the INF and another laboratory in Italy. The experiment ho reha si. It uses the dual phase liquid gas xenon technique and is located underground at the lab. ओही सेम चीज़ है, ये तुसी मैप दे अंदर जाके देख सकते हो। आई होप तुहानू ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके नाल समझ आया आएगा। देखो आज संडे है, आज संडे दे अंदर कोई मैराथन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वह एक सिंपल जहा रीज़न है। सॉरी, मैं क्या सी कि दो मैराथन मैं लैके आऊँगी ढाई ढाई घंटे आदि। बट की सी जो तो मेरी हेल्थ खराब सी ना उस टाइम तो मैं बोल नहीं पाई सी, बट मैं पीपीटीज बनाइया सी। ओके, वो पीपीटीज मेरिया की पईया ने पेंडिंग पईया ने, उन्होंने मैं सिर्फ रिकॉर्ड करना है। तो मैं आज सोचा कि आज संडे है, जो पीपीटीज मेरिया पेंडिंग पईया ने उन्होंने मैं फटाफट रिकॉर्ड करता, और कल तो अपना जो प्रोसीजर है ना वो बिल्कुल सेम रहेगा। देखो प्रोसीजर की है, डेली 3 क्लासेस, वो कल तो उवे कंटिन्यू चलेगा। 3 क्लासेस आन गया, और उन्होंने की ड्यूरेशन भी ना 3 क्लासेस की 1-1 घंटे के करीब होएगी। ओके, मान लो कल मंडे है, पोलिटी की क्लास आएगी 1 घंटे के करीब होएगी, और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आएगी वो भी 1 घंटे के करीब होएगी, करंट अफेयर्स की क्लास आएगी वो भी 1 घंटे के करीब होएगी। ये 3 क्लासेस तो डेली आन गया। उस तो बाद संडे नू 20 मार्च तक जिन्हें भी संडे आते हैं, संडे नू आपां 2 मैराथन करया करांगे जो कि ढाई ढाई घंटे की होंगी। मान लो 2 सबजैक्ट मैं चूज कर ले, मैं साइंस की बायोलॉजी करावांगी, साइंस की फिजिक्स करावांगी, मान लो संडे के अंदर, तो 2 मैराथन आन गया, दोनों ढाई ढाई घंटिया की होंगे, अलग अलग 2 आनगिया। ये एवें कल तो प्रोसीजर चलता रहेगा, बट अज मैं ये सोचा जो भी मेरी पेंडिंग पीपीटी पईया ने उन्होंने मैं फटाफट रिकॉर्ड करदा, क्योंकि मेरे ते बर्डन बन जाएगा, क्योंकि वह पीपीटी मेरिया एवें ही पईया रहनगियां। इस करके मैं अज मैराथन नहीं लैके आई। यही एक सिंपल जहा रीज़न सी। इसी 1st क्लास होगी संडे की जो मेरी पेंडिंग पई सी, हुण होर भी मैं लैके आवांगी। ठीक है, तो आ वाला मैं पीपीटी पहला तो बनाई हुई सी, तो मैंने फटाफट रिकॉर्ड करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की डिफरेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड जो भी पिछले वॉइस वगैरह आई हुई वो सॉरी, बिकॉज आज संडे है तो थोड़ा मोटा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, सो हूँ जो पीपीटी पेंडिंग पईया ने उन्होंने मैं फटाफट अज रिकॉर्ड कर दाँगी, आधा पेंडिंग काम कंप्लीट करके फिर आप कल तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रखांगे, क्योंकि जिन्हें भी दिन रह के मैं पूरा आधा सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ये मेरा प्रोमिस है, और ये आप करांगे। बस तुम पढ़ते जाओ, हूँ तक जिन्हिया भी क्लासेस मैं कराती हाँ सब रिवाइज़ कर लो, जिन्हिया भी मैं PDF देती हाँ वो भी सब रिवाइज़ कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।